आप मुझे बता सकती हैं कि वो यहाँ पे किससे मिलने आया था? जी मैं तो यहाँ पर बाहर बैठती हूँ, मैं अंदर नहीं जाती हूँ, इसलिए मेरे लिए ये कहना मुश्किल होगा कि वो यहाँ पर क्यों आया था या किससे मिलने आया था। पर हाँ, यहाँ 10:50 को क्लब में सिर्फ 3 चीज़ें खुली होती हैं, एक जिम, स्विमिंग पूल और हमारा कैफे। आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू। क्या हुआ सर, कुछ पता चला? आपको पूरा यकीन है आपने इसी को देखा था? जी हाँ सर। अंदर तो इसे किसी ने भी कल्याण नहीं देखा। अगर ये यहाँ आया था तो अंदर गया कहाँ, किससे मिला? सॉरी सर, मैं इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकूंगी। 3 लोग कह रहे हैं कि 10:30 के बाद रघु जिंदा था और 10 लोग कह रहे हैं कि वो मर चुका था। अब किसकी बात माने और किसकी नहीं? कैमरा? ये कैमरा, इसमें तो यहाँ आने जाने वाले सारे लोग रिकॉर्ड हो जाते होंगे, है ना? जी हाँ, ये हमारी पॉलिसी है, इससे यहाँ आने वाले हर मेंबर का रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। तब कल जब रघु यहाँ आया था तो उसका रिकॉर्ड भी इस टेप में मिल सकता है? टेप नहीं सर, सीडी। हर दिन एक सीडी में रिकॉर्ड होता है। प्लीज क्या आप मुझे वो कल वाली सीडी दे सकती हैं? रुको रुको दया, ये रघु ही है? हाँ सर, रघु ही है। जरा फिर से देखते हैं। अरे इस पे तो 10:50 का टाइम आ रहा है। बहुत अच्छी तरह से दूध में पानी मिलाया है, दोनों को अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं इस बैंक और क्लब के बीच में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। भगवान, कितना भयानक सपना था। क्या हुआ? मुझे बार बार ऐसे सपने की बोलो सिद्धार्थ, यही बात है ना, तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा ना, बोलो। हाँ। ओ नो, क्या देखा इस बार? इस बार जो देखा वो सबसे ज्यादा भयानक था। मैंने देखा एक घर, पता नहीं कौन सा घर था, मैंने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा। एक लकड़ी का दरवाजा था, हाँ उस घर का लकड़ी का दरवाजा था जो कि बंद था। नीचे फर्श पर एक मैट थी, मैट को हटाकर किसी ने नीचे से चाबी निकाली और दरवाजे में लगा दी और दरवाजा खोल दिया। मैंने अंदर देखा कि अंदर एक आदमी था और एक लड़की थी। लड़की पलटी
और चिल्लाई। उसकी चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। उसके चेहरे पर डर था, सिर्फ डर। बहुत घबराई हुई थी। उस आदमी की पीठ पे किसी ने चाकू मारा और वो मर गया। मर गया? हाँ देहा, मैं सच कहता हूँ, मैंने ऐसा भयानक सपना पहले कभी नहीं देखा। भयानक था मगर था तो सपना ही ना। भूल जाओ सिद्धार्थ, मत सोचो उसके बारे में। नहीं भूल सकता मैं उसे। क्यों नहीं भूल सकते? तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे वो सपना नहीं सच हो। हाँ नया, ठीक कहा तुमने। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सच में हुआ है। क्या बात कर रहे हो सिद्धार्थ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने जो देखा वो सिर्फ एक सपना था, हकीकत नहीं। अगर वो सपना था तो मेरे हाथ में ये निशान कहाँ से है नया? बोलो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे किसी ने मेरी गर्दन दबाई हो? बोलो नया, बोलो ये निशान कहाँ से है नया? नहीं, कुछ हुआ है, जरूर कुछ हुआ है नया। मैं जब सोकर उठा तो मुझे ये निशान लगे हुए थे। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ था। तुम? हाँ, कल रात तुमने एक बहुत डरावना सपना देखा और नींद में अपने सपने में तुम इतने खो गए कि तुमने खुद ही अपने आप पर ये निशान बना लिए, डर से, घबराहट में। मैं खुद ऐसा क्यों करूंगा नेहा? तो फिर कौन करेगा सिद्धार्थ? तुम्हारी किसी के साथ हाथापाई हुई थी क्या? हाँ हुई थी ना, उस आदमी के साथ। उस लड़की ने भी मुझे मारने की कोशिश की थी। क्या मतलब ये सब हकीकत में हुआ है? नहीं नेहा, मेरे साथ जो कुछ भी हो वो सपने में हुआ। जैसे ही उस लाश से चाकू निकला। देखा वो एक सपना था और वो खत्म हो चुका है। अगर वो सपना था, अगर वो खत्म हो चुका है तो बताओ ये चाबी कहां से आई नया? चाबी? ये वही चाबी है नया जो मैंने सपने में देखी थी। बताओ मेरे पास कहां से है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हुआ है। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुमने सचमुच किसी का खून होते हुए देखा है, या फिर तुमने किसी का खून किया है? नहीं, सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है सपने में हुआ है। सर, मुझे लगता है सिद्धार्थ ने किसी का खून किया है। और ऐसा क्यों लगता है आपको? सिद्धार्थ ने खुद मुझसे ये बात कही है। उसने खुद आपसे कहा है? जी। कमाल है। देखिए मैडम, लोग अक्सर ऐसी बातें किसी से कहते नहीं हैं। एक मिनट आशा, वैसे उसने कहा क्या आपसे? देखिए सिद्धार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करता है। उसे अक्सर रात को बुरे सपने आते हैं, मगर इस बार जो उसने सपने में देखा वो बहुत अलग था। अलग? अलग मतलब? उसने देखा कि ये घर में कोई चोरी कर रहा है। सो? और फिर उस चोरी करने वाले का खून हो जाता है। सपने में? हाँ सपने में। और फिर उसकी लाश को अलमारी में रख दिया जाता है। तो बुरे सपने तो हर किसी को आते हैं, मुझे भी आते हैं जब मैं कोई हॉरर फिल्म देखता हूँ। हाँ हाँ, मगर उसने मुझे निशान भी दिखाए हैं। निशान? कैसे निशान? ऐसे निशान जैसे उसके किसी के साथ हाथापाई हुई हो और किसी ने उसका गला दबाया हो। अक्सर बुरा सपना देखते हुए ऐसा हो जाता है। मुझे भी ऐसे ही लगा था, मगर उस चाबी का क्या? कैसे चाबी? उस अलमारी की चाबी जिसमें लाश है। देखिए आप जो कह रही हैं, जो सबूत आप हमें दे रही हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन इन सब का ताल्लुक किसी खून से हो ऐसा होना जरा मुश्किल है। मैं आपसे कह रही हूँ ना सर, सिद्धार्थ खून कर सकता है। वो कभी कभी बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है और उसे रोज रात को ये सपने आते हैं। मैडम देखिए, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि जिनको बुरे सपने आते हैं वो किसी का खून कर दे। हाँ? एक आदमी बुरा सपना देखता है, आपको शक हुआ, आप यहाँ आ गई, पर हमारे लिए इसमें कुछ भी करना थोड़ा मुश्किल होगा। प्लीज सर, आप एक बार उससे मिलके तो देखिए, उसके हाथ और गर्दन पर जो निशान है, उसके पास जो चाबी है, वो जरूर कुछ ना कुछ कहते हैं। और अगर उसने सचमुच किसी का खून किया होगा तो, और अगर आगे भी वो ऐसा कुछ कर दे तो, प्लीज आप एक बार उससे मिलके तो देखिए। इससे या तो मेरा शक दूर हो जाएगा या फिर आप लोगों को यकीन हो जाएगा। ठीक है, एक बार मिस्टर सिद्धार्थ से मिल लेते हैं। अभी कहाँ मिलेगा वो? आपको किसने बताया ये सब?
इनका कहना है कि आपका सपना सपना नहीं सच है। वाह, मुझसे मीठी मीठी बातें करके सब कुछ उगलवा लिया और जाकर CID को बता दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। एक मिनट मिस्टर सिद्धार्थ, एक मिनट। अच्छा, क्यों कर रही हैं ये सर? सर, ये जो नेहा है ना, ये ऑफिस में मेरी जगह लेना चाहती है, इसे बस बहाना चाहिए। सर, ये मौका मिलता ही मुझे नीचे दिखाकर ही छोड़ती है। आप खुद सोचिए सर, आपने कितने सारे केसेस सॉल्व किए होंगे, पर कभी किसी के सपने की इन्वेस्टिगेशन की है? अगर ये सपना है तो तुम्हारी हाथ और गर्दन पर निशान कहां से आए? जरा वो निशान दिखाना तो। निशान आपको कैसे लगे? सर, मैंने आपसे कहा ना, मैंने सिर्फ एक सपना देखा था। हर आदमी सपने देखता है। इस कमरे में जितने लोग हैं, ये सब सपने देखते होंगे। सर, आप इनसे पूछ के देख लीजिए, आप अपने रात को सपना नहीं देखा क्या? अरे आप लोग चुप क्यों? आप बोलिए ना, आप सपने नहीं देखते क्या? क्यों दया, कल रात तुमने सपना देखा? अब आदमी सोएगा तो सपना भी आएगा। देखा आपने, सब सपने देखते हैं। मैंने वो सपने में खून क्या देख लिया, यहाँ तो आपने बवाल मचा दिया। हैरानी इस बात की नहीं है मिस्टर सिद्धार्थ कि तुमने सपना देखा है, हैरानी इस बात की है कि जो सपना तुमने देखा है उसके निशान हकीकत में देखे जा सकते हैं। सर, मैं इन निशानों के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, बस आपको ये बता सकता हूँ कि मैं रात को 12 बजे सोया और सुबह 6 बजे उठ गया था। मैंने किसी का खून नहीं किया सर, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी? और ये निशान तुम्हें मेरी वजह से लगे है क्या? और वो चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? चाबी वो चाबी कहाँ है? देखिए मिस्टर सिद्धार्थ, अक्सर ऐसा होता है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं वो हमारे सपनों में आ जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? हो सकता है यही आपके साथ हुआ। आपका कोई दुश्मन है जिसे आप बहुत नफरत करते हो और जिसका आप खून करना चाहते हो? इस वक्त तो मैं इस नेहा का खून करना चाहता हूँ। देखा सर, मैंने कहा था मैं खून कर सकता है। जिन लोगों को तुमने सपने में देखा था, क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ? नहीं सर, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, सिर्फ सपने में देखा था सर। उनमें से एक आदमी को तो मैंने देखा भी नहीं, लेकिन उस लड़की को मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। ठीक है, आप हमारे साथ ब्यूरो में चलिए, हम उस लड़की का चेहरा बना के देखते हैं, शायद उसके बारे में कुछ पता लग सके। के एक बंगले में एक लड़की का खून हो गया है। लेट्स गो। सर, क्या मैं आप जा सकता हूँ? नहीं, हमें उस लड़की का प्रोफाइल स्केच भी चाहिए। नदीम, लड़की का प्रोफाइल स्केच भी बनवा लो। हाय सर। ओह, सर। कौन है लड़की? पता नहीं सर, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। जैसी लाश देखी मैंने आपको तुरंत फोन किया सर। ठीक, आप यहीं रुकिए। सर,
ये चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। फेलिक्स, स्केच लेके आओ। यस सर। ये वही लड़की है जिसे सिद्धार्थ ने सपने में देखा है। वही है बॉस, 100% वही है। सर लगता है कार से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? गलती से या जानबूझकर? क्या मुझे लगता है इस पर दो बार गाड़ी चलाई गई है। पहली बार इसे मारने के लिए, दूसरी बार ये पक्का करने के लिए कि ये मर जाए। मतलब इसका खून हुआ है। सुधाका, पेड्रिक्स, सिद्धार्थ को उठा के लाओ। ओके सर। माली, जानते हो इसे? जानते हो इसे? हैं? जी हाँ। कौन है ये? ये हमारी मेम साहब है। मेम साहब? तुम्हारे मालिक कौन है, कहाँ है? वो शहर से बाहर गए हुए हैं 10 दिन के लिए, दिल्ली। उनका दिल्ली का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं साहब, मेरे पास नहीं, कैसे होगा? ठीक है, तुम्हारे साथ घर में चलो, देखते हैं घर में शायद कुछ मिल जाए। घर की चाबी है? नहीं साहब, मैं घर के अंदर कभी जाता नहीं। कोई बात नहीं, चलो चलो। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? पता चल जाएगा। बॉडी की फोटोग्राफ्स वगैरह लो और देखो यहाँ और कुछ मिलता है क्या। ओके सर। क्या हुआ? हाँ? पहले भी आए हो यहाँ पे? जी ऐसा लगता था कि मैं आया हूँ, मगर कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। याद करो, याद करो। क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता चला यहाँ पे चाबी रखी हुई है? जी मैंने ऐसा कुछ सपने में देखा था, इसलिए लगा चाबी यहाँ होगी। मैंने सब, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं इतने सालों से यहाँ काम। मुंह बंद, चुपचाप यहीं खड़े रहो, समझे? खोल के देखे। इधर आ। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे भी कुछ हुआ है। तुम अच्छी तरह देखो। यहाँ सब वैसे ही लग रहा है जैसे इसने अपने सपने में देखा था। Yes, sir.
हाँ सिद्धार्थ, जरा बताओ यहाँ क्या क्या हुआ था। मुझे क्या पता सर, मैंने तो बस एक सपना देखा था। हाँ वही बताओ कि तुमने अपने सपने में यहाँ क्या देखा था। जी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, यहाँ पर इस तरफ, और वो लड़की यहाँ पर थी जहाँ खड़ी है, और तीसरा आदमी वहां से आया और इसकी तरफ बड़ा। लड़की चीखी और इसने चाकू निकाला और उसकी तरफ बड़ा, दोनों के बीच में हाथापाई हुई और यहाँ पर झगड़े, उसे चाकू लगा और वो यहाँ गिर के मर गया। यहाँ मर गया। लाश कहाँ है? हाँ? लाश वो लड़की वहां से चीख कर भाग गई। मैंने पूछा लाश कहाँ है? लाश 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 को वो घसीट के ले गया और उसने किसी अलमारी में बंद कर दिया। अलमारी में बंद कर दिया? जी। अलमारी कहाँ है? अलमारी वहां पर। वहां पे? मेरे सपने जैसा ही है। यही बोल मारी है? जी, लगती तो ऐसी है। लॉक्ड है। तो चाबी देना जरा, जो सिद्धार्थ ने हमें दी। देखते हैं कि ये लगती है कि नहीं। जल्दी से सच सच बताओ कि यहां पर क्या हुआ था। मैं क्या कहूं सर? तुमने जो सपना देखा था वो सपना नहीं, हकीकत है। हो सकता है कि तुमने खूनी को देखा हो, या फिर तुमने ये खून किया है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपने घर में सो रहा था। अगर तुम अपने घर में सो रहे थे तो तुम्हारे पास ये चाबी कहां से आई जिससे अलमारी खुल गई? मैं कुछ नहीं जानता सर। अब खुद सोचिए, अगर मैंने खून किया होता तो मैं उसका ढिंढोरा क्यों पीटता? मैं चुप रहता ना। तो ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? मुझे नहीं पता सर, मैंने जो सपने में देखा वो यहाँ सच हुआ, कैसे मुझे नहीं पता। तय, सर माली को बुला। ये पता लगा नहीं होगा कि तुमने सच में सपना देखा है या सच को सपना बना के बता रहे हो। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मुझे। देखो, बैठो, ध्यान से देखो, इस आदमी को पहले कभी देखा? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तुम जानते हो इसे? नहीं, बस इसे सपने में देखा था। तुम आ जाओ, इसकी पॉकेट वगैरह चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। पता तो चले आखिर ये आदमी है कौन। इस आदमी ने दुकान में फोटोज डेवलप कराने दिए हैं, शायद इससे हमें कुछ पता चले। आशा सर, जरा इस फोटो स्टूडियो में जाके पता करो। यस सर। दया,
बंगले के मालिक पंकज को ब्यूरो में बुलवाओ। कल रात आप कहाँ थे डॉक्टर पंकज? जी दिल्ली में, आज ही वापस आया हूँ। ये मेरा टिकट है। आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। ये देखिए, आप इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं। आप यहाँ आइए। ये मिस्टर सिद्धार्थ, आप इन्हें तो जानते होंगे। जी नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता। कौन है ये? आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? बात क्या है, आप बार बार इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? कुछ नहीं, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं दोबारा बुलाता हूँ आपको। एक आदमी को सपना आता है कि किसी का खून हो गया है, और सच में ऐसा हो जाता है। अपने सपने में वो दो लोगों को देखता है, एक आदमी और एक लड़की, और लड़की का चेहरा उसे अच्छी तरह याद है। सपने में वो ये भी देखता है कि आदमी की लाश को खूनी घसीट कर एक अलमारी में रख रहा है, और लाश भी अलमारी में से मिलती है, मगर उसके मुताबिक ये सब सिर्फ एक सपना है। जबकि सिद्धार्थ के उस घर में होने के बहुत सारे सबूत हैं। उसके पास अलमारी की चाबी मिली है, उसके बदन पे चोट के निशान हैं, और उसे ये भी पता था कि घर की चाबी कहाँ रखी हुई है। डॉक्टर पंकज का कहना है कि वो कन्नूर को नहीं जानता है, जबकि सिद्धार्थ के मुताबिक कन्नूर और डॉक्टर पंकज की पत्नी दोनों एक साथ में थे। इसका मतलब है दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई संबंध था। सर, हमने पता किया है, कन्नूर अकेला ही रहता था। अच्छा, उस फोटोशॉप से कुछ पता चला क्या? ये फोटो तो एक हफ्ते से तैयार पड़ी है, कन्नूर साहब आए ही नहीं लेने। आपको उन्होंने भेजा है क्या? मैं सीआईडी से, एक केस के सिलसिले में हमें फोटोग्राफ चाहिए। हाँ, एक मिनट। इसमें तो मिसेस पंकज और कन्नूर की फोटोज हैं। हो ना हो, एक दूसरे को जरूर जानते थे। सर, अगर ये एक दूसरे को जानते थे तो डॉक्टर पंकज कन्नूर को कैसे नहीं जानते? हो सकता है डॉक्टर पंकज को अपनी पत्नी और कन्नूर के ऊपर शक हो, उन्हें लगा हो कि इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है, और इसीलिए उन्होंने इन दोनों का खून कर दिया हो। पर डॉक्टर पंकज के हिसाब से जिस दिन खून हुआ वो दिल्ली में था। देखो, अगर उसने ये खून किए हैं तो इतनी आसानी से उगलेगा नहीं। दो खून हुए हैं दया, दो, और दोनों खून अलग अलग तरीकों से किए गए हैं। एक को चाकू से मारा गया और दूसरे को गाड़ी से। सर, और एक बात समझ में नहीं आई है, सिद्धार्थ का इन खूनों में क्या हाथ है? वो उस घर में पहुंचा कैसे? सर, वो घर ही है जहां से हमारे सवालों का जवाब। कोई क्लू नहीं मिला, सारी जगह बिल्कुल साफ है। कुछ ज्यादा ही साफ। क्या मतलब? मतलब उस लड़की को गाड़ी ने दो बार टक्कर मारी थी इसी सड़क पर। यहाँ आसपास कुछ तो मिलना चाहिए था। हाँ, जैसे टायर के निशान वगैरह। एग्जैक्टली, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं। इसका मतलब मिसेस पंकज को मारने के बाद कोनी ने सारे सबूत काफी सफाई से मिटा दिए। कोनी कितना ही होशियार क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो अपने पीछे जरूर छोड़ गया। बिल्कुल, और यही हमें ढूंढना है। फ्रेश निशान है, पेंट लगता है। अच्छा, शायद गाड़ी रिवर्स लेते हुए इस खंभे से टकरा गई होगी।
पता करो कि सिद्धार्थ या पंकज के पास सफेद कार है कि नहीं, और अगर नहीं मिलती तो देखो कि उन दोनों में से किसी ने अपनी कार हाल ही में पेंट करवाई है क्या। तो पंकज के पास मधु रेस्क्यू और सिद्धार्थ के पास खाली गाड़ी। हमने दोनों गाड़ियां देखी, दोनों में कोई डैमेज नहीं है, ना ही वो दोनों गाड़ियां पेंट कराएंगे। इसका मतलब कोई तीसरा था वहां पे। मुझे लगता है सिद्धार्थ को पकड़ लेना चाहिए, वो हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। एक काम करते हैं, उसके घर पे जाके तलाशी लेते हैं। है कहाँ वो? सर यही है हमारी कस्टडी में। ठीक है, उसे भी लेके चलो। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने एक सपना देखा था। बैठ। आप लोग तो मेरे पीछे पड़ गए। अभी सब पता चल जाएगा। तलाशी लो, सारा कर कान मारो। सर मैं कितनी बार कह चुका हूँ आपको, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यू वोंट फाइंड एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं किया सर, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? ये कपड़े तुम्हारे? हाँ मेरे हैं, लेकिन एक मिनट, इन्हें ले जाओ, बाहर ले जाओ इन्हें। भैया तो डॉक्टर साहब को बुलाओ। यस सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे लिए फिर से वही सपना देखना होगा। जी क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा। सर डॉक्टर साहब आप रेडी? जी डॉक्टर। हाँ, ये तुम्हें वो सपना दोबारा दिखाएंगे। क्या? देखो हम चाहते हैं कि तुम वो सपना फिर से देखो। हो सकता है सपना वापस देखने पर तुम्हें खूनी के बारे में कुछ पता चल जाए। पर देखो देखो सिद्धार्थ, यही एक तरीका है, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जी अगर आप कहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सुधाकर लाइट चलाओ। गहरी सांस लो सिद्धार्थ, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इस लाइट पर ध्यान दो। गहरी सांस लेते रहो और गहरी सांस, अपने दिल और दिमाग से सब कुछ निकाल दो, सिर्फ इस लाइट को देखो और गहरी सांस लो और गहरी सांस। अब इस लाइट को देखो, तुम अब अपने ही घर में हो सिद्धार्थ, अपने ही घर में तुम सोने जा रहे हो। अब तुम सो रहे हो, तुम सपना देख रहे हो, वही सपना, वही सपना। तुम सपने में हो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहाँ हो तुम, बोलो कहाँ हो तुम?
चौथे माले पर 48 नंबर फ्लैट में सर। रुकिए सर, लेकिन नेहा मैडम तो घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गई? वो शायद बाहर खाना खाने के लिए गई हैं। तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या है ना साहब कि मैडम की गाड़ी नहीं चल रही थी, तो मैडम ने मुझे बाहर से ऑटो रिक्शा लाने के लिए भेजा था, इसलिए साहब मुझे पता है। उनकी गाड़ी कहाँ है? यहीं पर है साहब, मैकेनिक को बुलाया है कल। क्या दिखाओ कहाँ पे? हाँ साहब आइए, ये रही साहब उनकी, ये वाली गाड़ी साहब। हाँ सर, ये अभिजीत कहाँ थे? ये गाड़ी है, ये देखो। मिल गया? नहीं गई। कौन से रेस्टोरेंट में खाने खाने गई? मेरे तक खाना लेकर क्यों नहीं आ रहा? मुझे अगर टाइम पर खाना ना मिले ना तो बहुत गुस्सा आता है। फिकर मत करो, अब से तुम्हें ठीक टाइम पे खाना मिलेगा, हर रोज 3 बार जेल में। देखिए आप ये, और आपके लिए तो हमने स्वीट डिश का भी इंतजाम कर रखा है। क्या, जरा स्वीट डिश तो खिलाना है ना। मुझे बताया कि सिद्धार्थ को नींद में चलने की आदत है, तो मैंने अपनी बीवी और उसके दोस्त का उसको मारने का प्लान बनाया। मैंने सुनीता से कहा कि दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन था मेरे जाने के बाद वो कानूर को जरूर अपने घर बुलाएगी। आप बिल्कुल ऐसी हुआ। सिद्धार्थ को उस घर में कैसे लेके गए? उसे वहां तक पहुंचाने का काम मेरा था। मैंने उसकी कॉफी में बेहोशी गोली मिला दी थी। डॉक्टर पंकज ने उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ से कहा कि वो उनके घर जाए। तुम्हें मेरे घर जाना है सिद्धार्थ, वहां दरवाजे के सामने एक मैट बिछा हुआ है, उसके नीचे एक चाबी होगी, उससे तुम दरवाजा खोलना, अंदर मेरी पत्नी और कनूर होंगे, तुम्हें उन दोनों का खून करना है। सिद्धार्थ ने कनूर का खून कर दिया, पर उसकी बीवी वहां से भाग निकली। मैंने उसका पीछा किया और उसे भी गाड़ी से उड़ा दिया। तुमने मेरे हाथों से खून करा दिया नेहा, मेरे हाथों से। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने ऐसा क्यों किया नेहा? तुम्हारी कोई गलती नहीं है सिद्धार्थ, इन लोगों ने तुम्हारा मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
इन दोनों को फांसी जरूर होगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।